गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम कहीं पे जाने वाले हैं। मैंने शॉपिंग किया था लास्ट ब्लॉग में, तो आज हम जाने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टाइल कर रही हूँ और इस भुतिया शक्ल के साथ वीडियो स्टार्ट किया मैंने, तो डोंट माइंड प्लीज़। और आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, और अगर शॉपिंग वाली वीडियो नहीं देखा तो देख लेना मैंने क्या ख़रीदा, और मेरे हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी ख़रीदा है मैंने, तो देख लेना। और अभी मैं इसको वॉश करूँगी, करने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, और हम वहाँ पर पहुँच के आपको बताएँगे कि हम कहाँ पर आए हैं, मतलब कहाँ पर जाएँगे। हे गाइस, तो मैं फुल रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो नीचे ही है, अभी मैं जाने वाली हूँ। और मैंने गेट रेडी विद मी भी बनाया है जो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अपलोड भी कर दिया है अभी। तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे ना, तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी है, दिखाते हैं अभी, और मैं चली जा रही हूँ, मेरी सिस्टर अकेली खाएगी ये सब। मैं दिखाती हूँ अभी। स्टेशन पे आ गए हैं और यहाँ से हम कार से जाएंगे शिलोंग पुलिस बाजार तक, तो वो जाके बैठ गए हैं और अभी मैं जाती हूँ, जाके बैठती हूँ। हम खानापारा पे है और यहाँ पे कार पे बैठे हैं हम, और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो खानापारा से ही कार से जा सकते हैं, 400 या 500 लेगा एक जन का। और अभी तीन लोग हो गए हैं कार पे और एक लोग और एक जन चाहिए, तो हम चले जाएँगे। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, और हमारा जो ड्राइवर है वो भी कुछ खाएगा, इसलिए हम भी खा लेते हैं जाके कुछ, और वॉशरूम भी जाना है तो जाते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है। तो इस वाले रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, हम यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और फिर जाएंगे शिलोंग पुलिस। पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन किया हुआ है, यहाँ पे खाना खा लिया है हमने, और मैंने खाया था पाव भाजी और मेरे हस्बैंड ने खाया चिकन चाउमीन, तो मुझे पाव भाजी बहुत पसंद आया यहाँ था, तो अगर आप लोग आते हैं तो खा सकते हैं यहाँ पे। फाइनली हम आ गए हैं जहाँ पे हमें आना था, तो हम आए हैं शिलोंग, अभी अभी आए हैं, 5 बज रहे हैं, अभी जा रहे हैं होटल ढूंढने, तो सामने ही एक होटल है तो वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर मिलता है रूम तो ले लेंगे। ठंड है यहाँ पे, तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं होटल पे बात करने उसका रूम है कि नहीं, अभी एक होटल के सामने ही हम अभी बात करेगा और देखेगा कि है कि नहीं। फाइनली हमने होटल रूम ले लिया है, और 4 घंटा लग गया गुवाहाटी से यहाँ तक आते आते, मतलब इतना ट्रैफिक है और जो ड्राइवर था इतना रुकते हैं रास्ते पे, बार बार उतर के जाते हैं वो, तो बहुत टाइम लग गया इसलिए। और अभी फ्रेश होते हैं और बाद में मिलते हैं आप लोगों से, बाय। हमने आके थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं और खाना खा के आते हैं। तो मैंने पहना है एक हाई नेक टॉप और जीन्स, वही है जो पहन के आई थी मैं, और साथ में पहना है रेड जैकेट, तो ग्रीन के साथ ये जैकेट रेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने, और यहाँ पे खा रहे हैं लड्डू जो मेरी मम्मी ने बना के भेजी थी घर से।
कैसे। तो ये है वो जैकेट जो मैं लाई थी लास्ट ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा मैं लाई थी ये जैकेट उनके लिए। तो अभी आके मैंने दे दिया है और पहना है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये जैकेट। और इसका कलर ऑलिव है और साथ में येल्लो है, तो मुझे बहुत पसंद आया था, उनको भी पसंद आया। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और खाने में बिजी है।